अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत और जापान जैसे देशों पर एक बयान देकर घिर गए हैं। दरअसल बाइडेन ने हाल ही में रूस और चीन के साथ साथ भारत और जापान को भी ज़ेनोफोबिक यानी विदेशियों से द्वेष रखने वाला बता दिया। बाइडेन ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चंदा जुटाने को आयोजित एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों से कहा, ये चुनाव आजादी, अमेरिका और लोकतंत्र के बारे में है, इसलिए मुझे आपकी सख्त जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का एक कारण आप और बहुत से बाकी लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। इसके अलावा बाइडेन ने कहा, इसके बारे में सोचिए, चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह ढहर सा क्यों रहा है? जापान को क्यों परेशानी हो रही है? रूस को क्यों दिक्कत हो रही है? भारत को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि उन्हें विदेशियों से द्वेष है, वे अप्रवासियों को नहीं चाहते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही रूस और चीन के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे ना हो, लेकिन भारत और जापान क्वाड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। ऐसे में जब बाइडेन के बयान पर बवाल मचा तो व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई सामने आ गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जियांपियरे ने इस मामले से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि बाइडेन व्यापक बिंदु पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगी और साथी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति उनका कितना सम्मान करते हैं। पेरे ने कहा, जापान के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि वे अभी यहाँ राजकीय दौरे पर आए थे, अमेरिका और जापान के संबंध महत्वपूर्ण हैं, ये गहरा और स्थायी गठबंधन है। उन्होंने कहा, बाइडेन ने एक व्यापक बिंदु पर टिप्पणी की थी कि देश में अप्रवासियों का होना कितना जरूरी है और कैसे इनके कारण हमारा देश मजबूत बनता है, वो इस बारे में बात कर रहे थे। पेरे ने कहा, भारत और जापान के साथ निसंदेह हमारे संबंध मजबूत हैं और अगर आप पिछले 3 साल पर नजर डालें तो राष्ट्रपति ने इन राजनयिक संबंधों पर निश्चित ही ध्यान केंद्रित किया है।